एक्साइटिंग जंगल सफारी, चार्मिंग रिवर, पिक्चर परफेक्ट हिल स्टेशंस, मिस्टिक टी गार्डन्स, ऑफबीट ट्रेक रूट्स, वर्जिन फॉरेस्ट। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नेचर लवर्स पैराडाइज, माइंड ब्लोइंग डुअर्स। इस वीडियो में डुअर्स टूर पैकेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये ईस्टर्न हिमालय का फुट हिल्स में है। डुअर्स रीजन का ईस्ट में है आसाम का धानसरी रिवर, और वेस्ट में है पश्चिम बंगाल का तीस्ता रिवर। ईस्ट वेस्ट में इसका स्ट्रेच है अराउंड 350 किलोमीटर, और नॉर्थ साउथ में इसका स्ट्रेच है अराउंड 30 किलोमीटर। डुअर्स रीजन का ज्यादातर हिस्सा पश्चिम बंगाल के अंदर है, तो आज हम उसके ऊपर ही बातचीत करेंगे। यहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भरे पड़े हैं। जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व, नेवड़ा वैली नेशनल पार्क, चापरमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। ये सब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग अलग वाइल्ड एनिमल्स के लिए फेमस है। जल्दापारा और गोरुमारा नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न डाइनो के लिए, बक्सा टाइगर रिजर्व फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, चापरापानी नेशनल पार्क फेमस है वाइल्ड एलिफेंट और वाइल्ड लेपर्ड के लिए। आप इधर आके जंगल सफारी कर सकते हो। इधर जंगल सफारी का बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह का बुकिंग पॉसिबल है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑनलाइन बुकिंग का लिंक दे दूंगा। डुअर्स घूमने के लिए कुछ अलग अलग आइटिनरी हो सकता है जो आज हम आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा, अराउंड 70 किलोमीटर दूरी पर है। अगर बाई एयर आना चाहते हैं तो फ्लाइट में बागडोगरा आ जाइए, और ट्रेन में सफर करना चाहता है तो न्यू जलपाईगुड़ी आ जाइए। वहां से कार हायर करके लाटागुड़ी या मूर्ति आ जाइए भाया गाजलडोबा, अराउंड 70 टू 80 किलोमीटर होगा। गाजलडोबा में तीस्ता रिवर के पास आधा पौना घंटा टाइम स्पेंड कीजिए, या तो आप तीस्ता रिवर में या तो जो साइड में बैक वाटर टाइप का है वहाँ बोटिंग भी कर सकते हो। विंटर में यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखने के लिए मिलता है। लाटागुड़ी और मूर्ति में अलग अलग बजट का वैरायटीज टाइप का होटल और रिसोर्ट आपको मिल जाएगा। इस कैटेगरी का रिसोर्ट चाहिए तो इसका खर्चा आएगा अराउंड 1350 से 1500 पर हेड पर डे, फूड और लॉज मिला के। और वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का भी दो तीन प्रॉपर्टी यहाँ मिल जाएगा, तो उसका नॉर्मली ऑनलाइन बुकिंग होता है, ऑनलाइन बुकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस दिन आफ्टरनून में गोरुमारा जंगल सफारी कर सकते हो। जंगल सफारी का बुकिंग आप खुद भी कर सकते हो या रिसोर्ट के थ्रू भी कर सकते हो। रिसोर्ट के थ्रू करने से गाड़ी आपको रिसोर्ट से ही पिकअप करेगा, लेकिन खर्चा पर कार 400 से 500 रुपया ज़्यादा लगेगा। नॉर्मल रेट है पर कार अराउंड 2100, और रिसोर्ट के थ्रू करोगे तो 2500 का आसपास आएगा। पहले एक कार में 6 लोग जाते थे, लेकिन अभी कोविड के बाद 4 हो गया। शाम को रिसोर्ट में आके कैंप फायर भी हो सकता है। लाटागुड़ी और मूर्ति आने के लिए और भी एक ऑप्शन है। लाटागुड़ी और मूर्ति का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यूमल जंक्शन। आप न्यूमल जंक्शन तक ट्रेन में आ सकते हो, वहाँ बहुत सारे पैसेंजर्स, एक्सप्रेस और मेल ट्रेन का स्टॉपेज है।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी डे टू में ब्रेकफास्ट करके आप निकल जाओ सेवन पॉइंट्स टूर के लिए। ये एक फुल डे टूर है, इसमें रबर गार्डन, मूर्ति रिवर बेड, फिर झालोंग, बिंदु, सामसिंग, रॉकी आइलैंड, सुंतली खोला, ये सब आ जाएगा। डुआर्स बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ रास्ते का हर मोड़ पर आप नया नया टूरिस्ट स्पॉट डिस्कवर कर सकते हो। झालोंग, बिंदु, सुंतली खोला, रॉकी आइलैंड और कई सारे जगह पे आपको होम स्टे और रिसोर्ट मिल जाएगा। और वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इको रिसोर्ट, वेस्ट बंगाल टूरिज्म डिपार्टमेंट का बंगलो, ये सब तो है ही। मैं तो रिकमेंड करूँगा इधर भी दो एक दिन बिताने के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इको कॉटेज और बंगलो ऑनलाइन बुकिंग होता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेवन पॉइंट्स टूर वाला वीडियो का लिंक इनबॉक्स में मिल जाएगा। सेवन पॉइंट्स टूर खत्म होने के बाद फिर मूर्ति और लाटागुड़ी रिसोर्ट में ही नाइट स्टे होगा। डुआर्स में टूरिज्म का बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ से अराउंड 35 किलोमीटर दूर येलबोंग करके एक जगह है जो वेस्टर्न डुआर्स में आता है। येलबोंग में रिवर कैनियन है जहाँ रिवर कैनियन ट्रेक पॉसिबल है। यहाँ एक्साइटिंग रिवर कैनियन ट्रेक के साथ साथ आप रिवर बेड में कैंपिंग का मजा भी ले सकते हो। नेक्स्ट डे यानी डे थ्री मॉर्निंग, आज पहले होटल से चेकआउट करना है, फिर फुल डे बॉक्सा जॉइंट थी एक्सकर्शन। पहले नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर जाना है, यहाँ बॉक्सा जॉइंट एरिया का वाइल्ड एनिमल्स, वहाँ का फ्लोरा फौना और लोकल ट्राइब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ से बॉक्सा जॉइंट घूमने का परमिट भी लेना पड़ता है। अगला डेस्टिनेशन संतालाबाड़ी, वहाँ से बॉक्सा फोर्ट का ट्रेक स्टार्ट होता है। बॉक्सा फोर्ट ट्रेक एक बहुत ही आसान ट्रेक है, आने जाने में लगभग 3 से 3.5 घंटा समय लगता है। बॉक्सा फोर्ट का ट्रेक रूट बहुत ही खूबसूरत है, सब टूरिस्ट को इसका मजा लेना चाहिए। बॉक्सा फोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक खतरनाक जिलों में कन्वर्ट किया। बॉक्सा ट्रेक के ऊपर मेरा जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से और 3-4 किलोमीटर आगे एक बहुत ही सुंदर माउंटेन विलेज है लैपचाखा, जो कैंपिंग और नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। बॉक्सा ट्रेक रूट में अगर रहना चाहो तो उधर होम स्टे मिल जाता है। और ये है 27 माइल बॉक्सा कोर रिजर्व फॉरेस्ट के पास, संतालाबाड़ी से बहुत ही नजदीक। यहाँ भी आपको बहुत सारे इस टाइप के होम स्टे मिल जाएगा। सामने एक छोटा सा माउंटेन स्ट्रीम और उसके बाद ही कोर फॉरेस्ट, यहाँ रहने का एक्सपीरियंस ही कुछ और है। नेचर के साथ साथ लोकल कल्चर को महसूस करने के लिए इधर जरूर रुकना चाहिए। आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है बॉक्सा टाइगर रिजर्व, यहाँ आप जंगल सफारी भी कर सकते हो। इसके बाद चलिए जयंती रिवर ब्रिज के पास, ये दोनों खंबा है जयंती रेलवे ब्रिज का। अभी सामने हम जाएंगे जयंती रिवर बेड में, यहाँ और भी दो इंटरेस्टिंग जगह है, एक है चुनिया वॉच टावर और पोखरी बहार। जयंती रिवर बेड में पुराना रेलवे ब्रिज का खंबा, रिवर बेड में पानी नहीं है लेकिन मानसून सीजन में बहुत पानी रहता है। आज नाइट स्टे होगा जल्दापारा नेशनल पार्क के नजदीक इस रिसोर्ट में। यहाँ हम
दो दिन रुकेंगे। नेक्स्ट डे या डे फोर, आज ब्रेकफास्ट के बाद जाना है साउथ फायरवाड़ी टाइगर एंड लेपर्ड रेस्क्यू कैंप। साउथ फायरवाड़ी लेपर्ड रेस्क्यू कैंप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साउथ फायरवाड़ी में भी वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का एक रिसोर्ट अवेलेबल है। लंच के बाद इवनिंग स्लॉट में जल्दावरा नेशनल पार्क में फॉरेस्ट सफारी करना है। जंगल की कोर एरिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का होलोंग बांग्लो ऑनलाइन बुकिंग होता है और इसके सामने माउंटेन स्ट्रीम के उस पर सॉल्ट पिट है, इसलिए वाइल्ड एनिमल्स देखने का चांसेस ज्यादा है। जंगल सफारी वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम जाएंगे ट्राइबल डांस देखने के लिए। इवनिंग सफारी का एक खास बात है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल के अंदर ही ट्राइबल डांस का अरेंजमेंट करता है। इसके लिए 50 रुपीज एक्स्ट्रा लेता है। सफारी का बाकी स्लॉट में ये अरेंजमेंट नहीं रहता। जल्दावरा फॉरेस्ट सफारी टिकट काउंटर के पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और एक प्रॉपर्टी है जल्दावरा टूरिस्ट लॉज, यहाँ भी ऑनलाइन बुकिंग होता है। नेक्स्ट डे यानी डे 5 रिसोर्ट के पास टी गार्डन में फोटो सेशन कर सकते हो। उसके बाद चेकआउट करके टोटोपाड़ा और फुलसोरिंग घूम सकते हो। टोटो ट्राइब्स नॉर्थ बंगाल का एक लोकल ट्राइब है जो अभी बहुत कम संख्या में है। टोटोपाड़ा जाने से उसका कल्चर बहुत सामने से देखने का चांस मिलता है। और फुनसोलिंग भूटान का एक सिटी है जो इंडिया से भूटान जाने का गेटवे है। भूटान गवर्नमेंट इंडियन टूरिस्ट को फुनसोलिंग घूमने का परमिशन देता है विदाउट एनी पेपर और प्रोसीडिंग। इसके बाद आप वापस बागडोगरा जा सकते हो, या तो अगर आपका ट्रेन न्यू अलीपुरद्वार से है तो कोचबिहार राजबाड़ी की विजिट कर सकते हो। इस टाइप का 4 nights 5 days डॉलर डुअर्स पैकेज टूर का कॉस्ट 8,500 से स्टार्ट होता है। आप आपका टूर कस्टमाइज भी कर सकते हो, मतलब इधर बहुत सारे जगह में रहने का ऑप्शन है, जैसे कि जल्दापारा में है, जयंती में है, बॉक्सर रोड के नज़दीक है, फिर पेरेन सुंदरलेखोला उधर भी है और लाटागुड़ी मूर्ति में तो है ही, इसलिए बहुत अलग अलग तरीके से डुअर्स टूर पॉसिबल है और हर एक जगह का अलग अलग ब्यूटी है। सो प्लीज डुअर्स में आइए, डुअर्स को एंजॉय कीजिए और अगर डुअर्स के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज नंबर में व्हाट्सएप या तो कॉल भी कर सकते हो आप। सो आज के लिए बाय बाय। लद्दाख टूर पैकेज वाला वीडियो लेकर फिर मिलेंगे। Stay safe, stay home.